मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचवीएसी टेक्निकल फॉल्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफसीयू के मोटर के हवाले से कि एफसीयू की जो मोटर होती है वो किस तरीके से फिक्स की जाती है, और ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि इस मोटर में जो है वायर्स जो होती हैं वो कौन कौन सी वायर्स होती हैं, और ये मोटर जो होती है कौन कौन सी टाइप की मोटर होती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने जो है एफसीयू की कम्प्लीट मोटर जो है सेट पूरा रखा हुआ है, के बीच में जो है मोटर लगी है, और इसमें दो शाफ्ट वाली जो है एक मोटर है। ये दिखा दूं मैं आपको कि ये जो है इसमें डबल शाफ्ट है, ये डबल शाफ्ट वाली मोटर कहते हैं इसको। फ्रेंड्स, इसमें जो है दो टाइप की मोटर्स आती हैं एफसीयू में, एक तो जो होती है वो सिंगल शाफ्ट की मोटर होती है, और एक जो होती है वो आपके सामने है डबल शाफ्ट वाली। तो डबल शाफ्ट वाली मोटर जो होती है वो इसलिए होती है कि दोनों साइड जिसके ब्लोअर होता है, मतलब जैसे कि समझ लें अगर आपका जो एफसीयू है 2 टन का है तो उसमें दो ब्लोअर्स आते हैं, जैसे कि एक ये हो गया एक ये हो गया, तो दो ब्लोअर्स होते हैं, तो जिसकी वजह से वो अलग अलग मोटर नहीं लगा के देते, एक ही मोटर में डबल शाफ्ट लगा कर दे देते हैं। तो ये डबल शाफ्ट वाली मोटर होती है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लोअर है, ये ब्लोअर का कवर है, बेसिकली ब्लोअर इसके अंदर है, यानी कि वो सेफ्टी होती है इसकी। तो ये ब्लोअर आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है, जब मोटर निकालनी हो ब्लोअर निकालनी हो तो यहाँ से इसको लूज करेंगे तो ये शाफ्ट जो है देख रहे हैं आप यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर नट बोल्ट होते हैं, इसको आप आराम से खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है मोटर का जो ये है ये पूरा बैक हिस्सा है, और जो इसका फ्रंट है जो कॉइल से अटैच होता है वो मैं आपको दिखा दूँ, वो इस तरह का होता है आगे से। ये फ्रंट है हमारा, तो आप देख लें यहाँ से जो है हमारी जो आउटलेट आती है, एयर की आउटलेट आती है, क्योंकि वो पीछे हमारे यहाँ पे फिल्टर लगा होता है। तो वो अभी हम जाएंगे यूनिट पर और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि फिल्टर किस तरह का होता है और फिल्टर किस तरह लगता है ब्लोअर के पीछे। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं जो है इसको जो है जाके वहाँ पे फिक्स करूँगा। आज देखेंगे कि एफसीयू की जो मोटर होती है वो किस तरीके से फिक्स करते हैं, और एफसीयू के अंदर क्या क्या होता है, तो वो भी आपको इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। तो सबसे पहले तो ये दिखा दूँ आपको मैं, ये हमारा जो यूनिट का जो ब्लोअर मोटर है, ये फ्रंट हिस्सा है जो कॉइल से जो है अटैच हो जाता है। तो यूनिट जो है हमारा पीछे से इनलेट लेके जो है यहाँ से साइड से और बैक साइड से लेने के बाद यहाँ से जो है आउट करता है, जो कॉइल से पास होते हुए हमें कोल्ड एयर मिलती है, कूलिंग मिलती है। तो फ्रेंड्स, कॉइल सेम सेम ऐसे ही होती है, बिल्कुल इस तरह लगी हुई। वो अभी हम जाएंगे कॉइल की तरफ और देखेंगे कि किस तरह की कॉइल होती है और इसमें लगाने का तरीका भी क्या है। वो सेम सेम जिस तरह ये मोटर लगी हुई है इसको वैसे ही फिक्स करते हैं। यहाँ पे स्क्रू दिए हुए मैं आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स, ये देखें आप 1, 2, 3, तो ये 3 ऐसे ही जाके बस लगाने के बाद 3 इसको हमें टाइट करने होते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। तो ये 3 जो आपको मैंने दिखाया और एक यहाँ होता है तो सपोर्ट के लिए, ताकि स्ट्रांग तरीके से मोटर जब चले तो वाइब्रेशन ना करे। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे इस मोटर के वायर्स की। तो वायर्स की अगर बात करें तो हमारे पास इसमें जो है 5 किस्म की वायर आती हैं, अलग अलग जो कलर्स होते हैं इसमें, ब्लू है, ऑरेंज है, ब्राउन है, रेड है, येलो है। उसके बाद बात करेंगे कैपेसिटर लगा हुआ आता है जो हमारी मोटर को जो है आरपीएम देने में, घुमाने में, वर्क करने के लिए, यानी कि सपोर्ट करता है उसको। कैपेसिटर का काम होता है यानी कि उसमें वो चार्ज रहता है, तो जिसकी वजह से हमारे कैपेसिटर की रनिंग रहती है, रनिंग कैपेसिटर कहलाता है। ये आपसे कोई पूछ भी सकता है कि मोटर में कौन सा स्टार्टिंग कैपेसिटर आता है या रनिंग कैपेसिटर आता है, तो आपसे जब भी कोई पूछे तो आप उसको बता दें कि रनिंग कैपेसिटर आता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं ये भी बताऊँ आपको कि मोटर में जो हमारी आप देख रहे हैं स्टिकर लगी है, उसमें जो है क्या क्या चीज़ें हैं वो सब पहले हम रीड करेंगे, और वायर के बारे में भी देखेंगे कि ये जो हमारे पास वायर है कौन सी वायर किस यानी के काम के लिए जो है यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मॉडल हमारा HAF650 है, मोटर हमारी कौन सी है, 220 से 240 वॉट में चलने वाली है, तो ये वॉट मतलब यानी कि सिंगल फेज की ये हमारी मोटर है। उसके बाद इसका 50 हॉर्स पावर है, और इसका कैपेसिटर जो है 15U F का कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर। तो ये हमारा कैपेसिटर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स RPM की, इसके जो RPM है वो हमारे पास 1030 RPM है, मतलब 1030 जो है RPM है। और RPM की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, रोटेट पर मिनट, मतलब यानी कि एक मिनट में वो कितनी बार यानी कि जो है गोल राउंड इस तरीके से जो है ले रही है, इस तरीके से जैसे मोटर चलती है, एक मिनट में RPM मतलब रोटेट पर मिनट वो 1030 मरतबा इस तरह चलती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे वायर्स के बारे में, तो कभी भी कोई भी न्यू टेक्नीशियन हो, स्पेशली मैं उनको बता दूं कि कभी भी आप अगर वायर लगाएं मोटर की, तो मोटर पे काइंडली एक स्टिकर लगा होता है, वो जल्दी इतनी आसानी से मिटता नहीं है, वो सालों साल चलता है।
तो आप उसको पहले चेक कर लें, अगर आपको कन्फ्यूजन है कहीं डाउट है तो उसको आपको जो है स्टिकर जो दिया होता है वो इसलिए दिया होता है कि जो भी है यानी कि इसको रीड करके आसानी से कनेक्शन कर सके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले दिखा दूं आपको, इसमें लिखा हुआ है ब्लू कलर का कॉमन है हमारा, इसमें जो ब्लू है वो कॉमन है, कॉमन मतलब न्यूट्रल होता है, वो सीधा सीधा हमारा जो है न्यूट्रल में अटैच हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स ब्लैक एंड ब्लैक ऊपर देखेंगे सी आर, सी आर मतलब होता है कैपेसिटर होता है, तो आप देख सकते हैं ब्लैक एंड ब्लैक दो ब्लैक वायर्स हमारे पास, ये हमारी जो है कनेक्ट हुई हुई है कैपेसिटर के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे आगे, रेड कलर की है हमारी हाई, मीडियम है हमारी येलो, एंड ब्राउन है हमारी लो, एंड L1 है ऑरेंज। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं येलो भी है हमारे पास, ऑरेंज भी है, उसके बाद ब्राउन भी है और रेड भी है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास जो फोर वायर्स हैं ये हमारे जो है बेसिकली ये थर्मोस्टेट से कनेक्ट होते हैं, न्यूट्रल तो हमारा सीधा न्यूट्रल में चला जाता है, लेकिन ये जो तीन जो वायर्स हैं, ये जो चार वायर्स हैं हमारे पास, तो ये जो होते हैं ये थर्मोस्टेट से कंट्रोल होते हैं, क्योंकि इसमें हाई मीडियम लो होता है। तो जब भी आप अगर हाई पे करेंगे तो हाई वाले जो पॉइंट है उसमें थर्मोस्टेट जो है करंट दे देगा, जिसकी वजह से आपकी मोटर हाई पे रन करेगी, बाकी तीन जो है आपके यानी कि ऐसे ही रहेंगे। जब आप उसको थर्मोस्टेट से चेंज करेंगे मीडियम पे तो वो मीडियम वाले पे करंट दे देगा, हाई को बंद कर देगा। तो इस तरीके से इसके कनेक्शंस होते हैं। मैंने इसकी एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और उसी वीडियो की मैं इसके साथ वीडियो के साथ लिंक दे दूंगा, अगर आपको ना मिले तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो फिर मैं ये कि आपको सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स ये हमारी मोटर होती है इस तरह की, मैंने आपको बता दी, इसमें वायर्स ऐसे होते हैं, एक इनमें न्यूट्रल होता है, बाकी सारी फैन स्पीड के लिए कंट्रोल करने के लिए हाई मीडियम लो इस तरह दी जाती है। उसके बाद एक कैपेसिटर होता है, ताकि जो है कैपेसिटर जो होता है हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है, जो हमारे मोटर को रनिंग करा सके पावरफुली। उसके बाद बात करेंगे ये ब्लोअर का कवर होता है, इसमें लिखा होता है कि लो मीडियम हाई रेड, ये सारी चीज़ें इनके स्टिकर जो कंपनी हमें यानी कि QC पास करके जो देता है उसमें, इसमें साइज़ लिखा होता है आपका गड्ढक का कितना साइज़ है, टर्नेज पार्ट नंबर कस्टमर, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स इसको लगाने का, मैंने आपको बताया है कि एक स्क्रू यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और ये सीधा सीधा सेम जिस तरह ये मैंने रखी है ऐसे ही जाके सीधा अटैच होती है, सामने ऐसे कॉइल लगी होती है उसमें, इसी तरीके से सामने देखें आप तो आपको दिख रहा हो तो यहाँ इस तरह कॉर्नर बना होता है कॉइल पर भी, तो वो ऐसी लगी होती है, तो वैसे जो है इसको स्क्रू से टाइट कर देते। तो फ्रेंड्स जाएंगे पहले देखेंगे, हम व्यू करेंगे अपने कॉइल का FCU का, और फिर उसके बाद हम मोटर लगाकर सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जी तो फ्रेंड्स हम आ गए अपने FCU पे, और आप देख सकते हैं ये हमारा FCU है, इसमें सिर्फ तीन चार पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको दिखा दूं। तो आपको जो मैंने दिखाया था कि तीन नट्स जो हैं वो एक दो तीन यहाँ लगेंगे, यानी कि एक दो तीन यहाँ लगेंगे और एक सेंटर वाला यहाँ लगेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी कॉइल होती है, चिल वाटर जो है हमारा यहाँ से सप्लाई होता है, यहाँ से जो है रिटर्न आते हैं, यानी कि इस कॉइल में इस तरह घूमने के बाद ऐसे ऐसे करके आप देख रहे होंगे ये पाइप लगा हुआ है इस तरह चलने के बाद वापसी से रिटर्न आके वो जो है हमारा रिटर्न लाइन में चला जाता है। इसके बाद ये हमारी ट्रे होती है, ड्रेनेज ट्रे होती है, जो उसका सारा जो कंडेंसेशन की जो यानी कि वाटर जो होता है कंडेंसेशन हुआ वो सारा जो हमारा इस ट्रे के अंदर आता है। और इस ट्रे के बाद जो है आप दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पाइप है, तो इस ट्रे में आने के बाद इस यानी कि इधर आने के बाद यहाँ स्लॉप होता है, तो यहाँ से फिर ये जो है ये सारा जो पाइप है इसके थ्रू पानी आके सारा जो है यू ट्रैप्स होने के बाद ड्रेन में चला जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है FCU की जो सेटिंग होती है, कूलिंग होती है, वो इसी तरीके से होती है। ये हमारा जो होता है ये आगे वाला जो सबसे जो आगे वाला होता है ये कॉइल होती है, मोटर हमारी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद जब मोटर यहाँ पर आ जाती है तो ये हमारे पास कवर लग जाता है, यहाँ पे पूरा फिल्टर लग जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ इस तरीके से, तो इस तरीके से यानी कि पूरा यानी कि यहाँ पे बाहर आके फिल्टर लग जाएगा। उसके बाद जो है बात करेंगे हम कनेक्शंस की, तो कनेक्शन बॉक्स इसका कॉर्नर पे होता है, यूनिट के साथ ही अटैच होता है कॉर्नर पे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, जब मैं आपको ये जब कनेक्शन करूँगा तो इसके बारे में भी आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ये कनेक्टर्स लगे हैं यहाँ पे, ब्लैक अर्थ वायर, ब्लू और येलो। तो ये जो है हमारे जो है फैन की स्पीड के कनेक्शन है जो थर्मोस्टेट से आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारा सेंसर लगा होता है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो अब चलते हैं भी मोटर को जो है फिट करने की तरफ, और मोटर को अब करेंगे फिट और उसके बाद दिखाएंगे आपको इसके कनेक्शन सारे के किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स मोटर लगा दी है, अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था,
बस इस तरीके से मोटर लगेगी जिस तरीके से मैंने लगाया है। ये देखें इस तरीके से ये मोटर लगेगी। उसके बाद जो है हमारी ये जो वायर आ रही है आप देख रहे हैं, इस वायर को जो है इसका जो कनेक्शन बॉक्स है वो इधर है, तो इधर से एक अंदर होल होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये, तो इसके थ्रू मैं यहाँ से जो है इसकी जो वायर है निकालूंगा और यहाँ पे आके कनेक्शन करूंगा। और इस तरीके से जो है यानी कि FCO है इसको पैक करने का, जो है यहाँ पे जो है हमारा बॉर्डर है, यानी कि बॉर्डर आने के बाद यहाँ पे पूरा एक फिल्टर आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये फिल्टर पूरा इससे कवर हो जाता है, यहाँ से जो है हमारा जो ये ब्लोअर है वो इनलेट करता है एयर को, और जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कि आगे से ब्लोअर का किस तरीके से स्पेस होता है, तो उधर से वो जो है एयर को पास करता है और वो कॉइल से जो है होते हुए जो है हमारी जो है आगे रूम में सप्लाई होती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मोटर फिट होती है। अब मैं करूंगा कनेक्शंस और कनेक्शन करते हुए आप लोगों को दिखाऊंगा कि कनेक्शंस को किस तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड्स कनेक्शन हो चुके हैं और मैं अब आपको दिखा दूं समझा दूं कि कनेक्शंस मैंने कैसे किए हैं, आपको मैं दिखा दूं पहले। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ब्लैक पहले हमारा न्यूट्रल था ऊपर, ये हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा न्यूट्रल है, ये वाला हमारा न्यूट्रल था। उसके बाद ये जो अर्थ वाला था, बेसिक ये अर्थ वाला नहीं है, इसमें हम लोगों ने जो है लो स्पीड की जो मोटर की जो वायर है जो कनेक्शन है वो हमने अर्थ वायर से डाली हुई है। उसके बाद ब्लू वाली जो है वो मीडियम है और येलो वाली जो है वो हाई है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से एक्चुअली ये जो है थर्मोस्टेट से आ रही है सारी वायर, तो जिसकी वजह से यानी कि हमें ऑलरेडी पता है। तो ये किस तरीके से ट्रेस करते हैं, ये ट्रेस तो आपको मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई है उसके साथ ही जो है इसमें सारा जो है कनेक्शन का सिस्टम जितनी भी इंफॉर्मेशन से वो मैंने उसमें डाली हुई। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने इस तरीके से जिस तरह कनेक्शन किए इस तरह कनेक्शंस करते हैं कि न्यूट्रल में मैंने जो है अपना न्यूट्रल दे दिया, आप देख सकते हैं ये रहा। उसके बाद जो है फैन की स्पीड जो थी हमारी ये वाली लो, फिर ये थी मीडियम, और उसके बाद ये रेड वाली आ गई हाई। तो ये सारे थर्मोस्टेट से जिस तरीके से आए हुए थे वो इस तरीके से मैंने जो है मोटर से, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि मोटर में कौन से कलर की वायर जो है कौन सी स्पीड की, इस तरीके से मैंने सेम करके देख के इसको लगा दी, इस तरीके से लगा देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा काम यहाँ पे फिनिश होता है और मोटर भी जो है हमने जो है फिट कर दी है, आप देख सकते हैं पूरी मोटर फिट हुई हुई है। और अब ये जो है मैं आपको दिखा दूँ जिस तरीके से मैंने आपको बताया था इससे पहले मोटर फिट करने से पहले कि ये हमारी जो है इनलेट यहाँ से लेता है और आउटलेट वहाँ से करता है आगे से कॉइल से पास करने के बाद। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो है पूरा का पूरा जो है FCU यूनिट है। यहाँ पे जो है बाकी फिल्टर आ जाएगा देख लें, तो यहाँ पर भी मैं फिल्टर भी लगाता हूँ, फिल्टर भी दिखाता हूँ आपको कि फिल्टर कैसा होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा फिल्टर होता है, ये आप देख सकते हैं, इसको हम प्री फिल्टर भी कहते हैं। यहाँ पे देखें एलुमिनियम फिल्टर भी लिखा हुआ है, प्री फिल्टर एलुमिनियम फिल्टर, इसका साइज़ होता है। तो फिल्टर इस तरीके से होता है, अभी मैं फिल्टर को भी लगाता हूँ और फिर आपको कंप्लीट दिखाता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी जो है फिल्टर लगा दिया है इसका यूनिट का। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो FCU है वो पूरा जो है पैक हो चुका है। तो इस तरीके से फिल्टर भी लग जाता है, बस फिल्टर भी बहुत आसान है लगाना, जस्ट मतलब जो लगा के यहाँ पे आपने एक स्क्रू टाइट करना होता है। ये हमारा जो है एलुमिनियम का जो है फिल्टर है। तो इस तरीके से हमारा पूरा FCU जो होता है वो यानी कि यहाँ से जो है इनलेट लेता है फिल्टर के पास से। फिल्टर इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारी जो यानी कि एयर में कोई धूल वगैरह मिट्टी वगैरह हो वो हमारे ब्लोअर से कॉइल तक ना पहुँचे, तो इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें स्टॉप हो जाए। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा FCU यूनिट और इसके बाकी जो कनेक्शंस हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं और डिटेल में इसके साथ मैंने एक और न्यू वीडियो बनाई है पूरी डिटेल में, तो आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं कि कनेक्शन जो थर्मोस्टेट से निकाले जाते हैं वो किस तरीके से निकाले जाते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।